आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चित्र बना लो तुम लोग सभी लोग मिलजुल कर गोल गोल, छठी माई के जय बोल भाई। कौन है भाई, क्या है, त्रिज्या है आर, बहुत गाना सुने नहीं, क्यों ना जिस सके लाई गारंटी बात, खाली भोजपुरी यो बात सही बात। पी आई की हो गया अब हाई, कोई मान लो ब्रीथ हो गया, इसका कोणीय विस्थापन देखो, ये कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा, रेखीय विस्थापन डेल्टा एस, और त्रिज्या का होगा आर, समझे। तलिक लो माना कि कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, का चीज भाई त्रिज्या हा आर आई रेखीय विस्थापन है दूरी, जैसे कोनो कोण चलत है जैसे तो गन 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 जाता है, तो दूरी जन तरह का रेखीय विस्थापन, अच्छा हेजा से जो है बीच में कोण बनी उसी कहते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक। तो लिखा ये माना कि माना कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, गति कर रहा है तथा जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा जो प्रतिनिधि करता है ना जी, कोणीय वेग ओमेगा है तथा रेखीय वेग भी है, इतना सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते बताइए। आप राजा वाजा हो गए सीधी, एक मिनट में सीध हो गया, एक मिनट में, तब इसको सवाल भी लगाएंगे। तो बताओ सूत्र पढ़े हो अभी तुम लोग, पढ़े थे पहले समझ लो तब लिखना, वी बराबर आर गुणे ओमेगा है, पूरा कहानी पहले समझो बताओ। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या का आयार है, उस पर एक कण गति कर रहा है, जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, जिसका रेखीय वेग का भी है, तो वी बराबर आर गुणे ओमेगा भी आपने सिद्ध किया है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का सूत्र है। चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का सूत्र है, आप दोनों पक्षों में नहीं, ये सूत्र है ना, आप सीध हम लोग कर रहे हैं इसको, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में डी बाई डी टी से गुणा करने पर, डी बाई डी टी से आयकरक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं, खैर जैसे आपकी इच्छा हो, तो गुणा करोगे तो डी वी बटा का आ जाएगा डी टी। हाई आर वही ना रखो, आर त्रिज्या में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये कितनों घूमि न तो त्रिज्या उतना रहे कि बदल जाए, कोणीय वेग बदल जाएगा, तो या कोणीय वेग के साथ डी ओमेगा बटा डी टी निकल एक करके लिखा है, ठीक। आर वही अरे आर में नहीं गुणा होगा, आर में कब गुणा होगा मालूम है, जब आर प्लस ओमेगा होता है ना तब आर दोनों में गुणा है, लेकिन अगर गुणा है तो एक एक में कौन होगी, कौन बदल सकता, ओमेगा बदले ना, त्रिज्या तो बदलेगा नहीं, चाहे तो हेजा रहो, चाहे चाहे ठेल के हेजा भेज दो तो हेजा भेज दो, जितना डिस्टेंस है जितना त्रिज्या होता ही रहेगा, इसीलिए आप कोणीय वेग ही चेंज होगा। अब बताओ वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, सब लोग बताओ, त्वरण कहते हैं, तो ये लिख दो आर लिख दो, इसको कोणीय वेग परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अल्फा कहते हैं, देखो ये सूत्र आपका बन गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं रेखीय त्वरण बराबर त्रिज्या गुण है कोणीय त्वरण। चलो समझे कि नहीं समझे बताइए, लगाना लिखो, एक घड़ी का सकेने वाला सुई, सब अच्छा लोग पढ़ेंगे, एक घड़ी के एडवांस नहीं, एक घड़ी के सकेने वाला सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सिरों के
रेखीय वेग और कोणीय वेग बताइए, कोणीय वेग बताइए और सोच के मुझे बताओ क्या है सवाल। प्रश्न हमारा एक घड़ी की सेकंड वाला सुई है जिसकी त्रिज्या आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये बताओ, सब लोग सोच के बताओ त्रिज्या कितना दिया है बाबू, हल करो, वही लंबाई या त्रिज्या बात थी कि मानो लंबाई है, मानो आर ही मानोगे, लेकिन ध्यान रखना, चलो आर का मान है 3 सेंटीमीटर। सब लोग यहाँ देखो बाबू, सब लोग देखो, ए इधर देखो ना, भी का मान निकालना है, ओमेगा का मान निकालना है। अच्छा ये बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग कि अगर सेकेंड वाला सुई है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। अरे कोई कण एक माने कोई कण होता है एक सेकेंड में जितना नहीं, एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लेता है, तो अगर सेकेंड वाला सुई है पूरा एक चक्कर पूरा की तो कितना समय ली, 60 सेकेंड का समय ली। मिनट वाला सुई होता तो 60 मिनट का समय लेता, घंटा वाला होता तो 12 घंटा का टाइम लेता। ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं तुम लोग कई बार बताया हूँ इस चीज़ को, सेकेंड वाला सुई का आवर्तकाल 60 सेकेंड, मिनट वाला सुई का 60 मिनट, घंटा वाला सुई का 12 घंटा। तो अब देखो यहाँ पर, पहले तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर रेखीय वेग निकालना है तो भी बराबर आर गुण ओमेगा का यूज करोगे, तो आर तो मालूम है, ओमेगा तुमको नहीं मालूम, ओमेगा मालूम हो जाएगा ना, ओमेगा तो निकल ही जाएगा, टी लिख सकते हैं ना, सेकेंड वाला सुई के लिए टी कितना होगा बोलो, चलो बोलो 60 सेकेंड हो गया, चलो ठीक है। तो अब करना क्या है, ओमेगा बराबर एक सूत्र होता है 2π/T, यार आ तो बहुत पढ़े थे, 2 लिखो पाई को ऐसे ही रखो, टी के जब 60 लिखो काट दो 30 बार में कट गया, तो π/30 आ गया ओमेगा का, हम भर सकते हैं आपकी इच्छा, छोड़ दीजिए इतना ही, बेखा दिक्कत है, रेडियन पर सेकेंड लिख लीजिए, भर भी सकते हैं। अब आइए देखिए वेग के लिए, आर का मान बोलो सब लोग 3, ओमेगा का मान π/30 काट दो 10 बार में, तो भी बराबर पाई का मान 3.14 बटा में 10, अच्छा 10 बटा 10 और ही है ना भागे, इधर भाग जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा कितना, 3.0314 मीटर/सेकेंड आंसर। समझ में आया कि नहीं, पूछा तो सकते नोट, क्वेश्चन लिखो, पृथ्वी अपने अक्ष के परिता 24 घंटों में घूमती है, सुना जी, पृथ्वी अपने अक्ष के परिता 24 घंटों में घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष के परिता 24 घंटों में घूमती है, 24 घंटा में घूमती है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, सब लोग याद रखना यही पृथ्वी की त्रिज्या है, यही पृथ्वी की त्रिज्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग बताइए, रेखीय वेग और कोणीय वेग बताइए, बोलो सोच के बताओ सब लोग, क्या आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बना लोगे सब लोग, तो बता दें पहले दिया का उसको लिखा जाता है हमेशा, देखो ये टाइम आवर्तकाल दिया, हल करो, आवर्तकाल दिया है 24 घंटा, इसको सेकेंड में बदलो हमेशा, तो घंटा को 60 से गुणा करोगे मिनट में, फिर 60 से गुणा करोगे सेकेंड में, ठीक है, आर दे दिया है 6400 किलोमीटर, पहले इसको मीटर में बदलो, तो कहाँ होगा 64 में 1000 से गुणा हो जाएगा, 3 को 0 पड़ जाएगा, इतना मीटर, पहले ओमेगा का मान निकाल दो बाबू, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T, 2π वहीं लिखो,
टी का मान भर दो, 24 गुणा 60 गुणा 60, इसको भर देता हूँ 3.14। पूरा इसको हल करो, जब पूरा हल करोगे ना इसका मान आ जाएगा बाबू 7.2, 6 गुणा 10 के ऊपर -5 रेडियन प्रति सेकेंड आ जाएगा। एक ऐसे गुणा किया मीटर में बदलने के लिए, ध्यान रखना। ओमेगा का मान निकल गया तब भी निकालना, तो भी बराबर आर गुणे ओमेगा, तो आर तो दिला ही बा, आर तो दे पूरा ना कितना 6.4। अच्छा काम करो, 6.4 लिख के ना कितना जीरो है, 10 के ऊपर 5 आ ये आ गए बस 7.2, 6 गुणे 10 के ऊपर -5, बस एक में गुणा कर दो, आ 6 में से अभी 5 से 5 कट गए, पूरा जब हल कर दोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4.4651 मीटर प्रति सेकेंड हो गया आंसर।